नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ मोमोज। मोमोज बनाने के लिए मैं एक कप मैदा ली हूँ। अब इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक और इसका मैं एक टाइप डो तैयार करूंगी। ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा टाइट भी नहीं, जैसे हम पूड़ी का बनाते हैं वैसा ही लो बनाऊंगी। डो मेरा तैयार हो गया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल लगा दूंगी और लगा के एक प्लास्टिक में कवर करके मैं इसको आधा घंटा रखने के लिए रखूंगी। अब मैं तब तक मोमोज की फिलिंग तैयार करती हूँ। मोमोज की फिलिंग के लिए मैं एक कप पत्ता गोभी ली हूँगी, इसके एक कप गाजर है, थोड़ा सा शिमला मिर्ची, एक कांदा। अब इसमें मैं डालूंगी एक चम्मच नमक, थोड़ा सा ऑयल, ये सब मैं मिक्स कर लूंगी अच्छे से। मिक्स करके मैं इसको रखूंगी 10 मिनट के लिए, जिससे इसका पानी सब बाहर आ जाए। सब मिक्स हो गया है। अब इसको मैं 10 मिनट के लिए रखूंगी। चटनी बनाने के लिए मैं 3 टमाटर ली हूँ, 4-5 कलियां लहसुन की है, 4-5 तीखा मिर्चा है, 4-5 कश्मीरी लाल मिर्ची है। मिर्ची मैं भिगा के आधा घंटा पहले रख दी थी। अभी ये सब का मैं पेस्ट बनाऊंगी। चटनी बनाने के लिए मैं कढ़ाई रख दी हूँ, इसमें डालूंगी 1 चम्मच ऑयल, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची। मैं डालूंगी इसमें पेस्ट, जो मैंने पेस्ट तैयार करके रखा था। 1 चम्मच डालूंगी काली मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच नमक। अभी 2-3 मिनट इसको मैं पकाऊंगी। चटनी मेरी बनके तैयार हो गई। 10 मिनट हो गया है इसको रख के। अब मैं इसको छान के इसका पानी निकालूंगी। इसका सारा पानी निचोड़ के मैं निकाल ली हूँ। अब इसमें मिलाऊंगी मैं अदरक, 2-3 हरी मिर्ची, लहसुन बारीक बारीक मैं काट ली हूँ। अब इसको मैं इसमें मिक्स करूँगी। हरा धनिया बारीक बारीक कटा हुआ, इसको भी डाल दूंगी इसमें। फिलिंग मेरी मिक्स हो गई है और अच्छे से तैयार भी हो गई है। ये देखो, इसमें पानी थोड़ा भी नहीं है, सारा पानी निकल गया है। पानी नहीं रहना चाहिए, पानी रहेगा तो मोमोस आपका फट जाएगा। अब मोमोस बनाने चलती हूँ। डो मेरा तैयार हो गया है। अब मैं इसकी छोटी छोटी लोइयां बनाऊंगी।
बाकी का सभी मोमोस मैं इसी तरह से बना लूंगी। मोमोस मेरा तयार हो गया है, आसान करती हूँ मैं। उसमें पानी एक टोप में 2 गिलास पानी डाल के ऊपर चालन लगा के मैं रख दी हूँ। इसमें ऑयल लगा दी हूँ ताकि मोमोस चिपके ना। अब मैं इसमें मोमोस रखूंगी। अब इसको मैं ढक के रख दूंगी 7-8 मिनट तक, फिर उसके बाद मैं इसको निकाल लूंगी। ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, नहीं तो मोमोस खराब हो जाएगा। मोमोस मेरा बनके तैयार हो गया है, अब इसे मैं सर्व करूंगी। अगर मेरा वीडियो पसंद आए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।